वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अज आप गल करनी हैगी आर्ट्स रीडिंग की। तो आर्ट्स रीडिंग अपने को हैगा जो पैसेज का नेम क्रोप ग्रोइंग स्काई स्क्रैपर। तो आपको पता लग गया क्रोप की गल हुई होगी। तो अपने को जो आज सैक्शन हैगा गा वो आर्ट्स रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स है। आप टिप्स एंड ट्रिक्स की गल करनी हैगी। तो अज आप देखना कि किदा जी आप रीडिंग द एक्यूरेसी प्लस टाइम जो मैनेज कर सकते हैं। टाइम जोड़ा इंपोर्टेंट हों आज रीडिंग भी अपने को 1 आवर होंगे एंड 40 क्वेश्चन होंगे सॉल्व करने लिए। तो ये अपन करने पैदे है, मतलब जरूरी हैगा गा, है ना। तो पर मैं जरा मेरा सुजैशन यगा गा कि अपनी जी एक्यूरेसी वाल ज़्यादा ध्यान दो, मतलब टाइम के नो, ठीक है। लाइक बहुत सारे बच्चों का कहना हों, मैं पूछती रहनी भी कि है ना, जो टाइम मैनेज नहीं हों। तो बहुत सारे बच्चे की कहें साढ़े 30 मतलब कि प्लस जाने कि 33-35 तक जोड़े सॉल्व हो जाते हैं, है ना। मतलब 5-6 क्वेश्चन जोड़े है बच जाते उन्होंने, तो नहीं सॉल्व होंगे घंटे के बस। इन्ना की फर्क पैंता, कोई ज़्यादा तो नहीं हैगा गा, है ना। तो फिर जो थोड़ी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा वधिया हैगी, सिर्फ एक्यूरेसी वाल ध्यान देने है, तो लाइक जो तुम है ना 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़े 5 रह जाते हैं, है ना। तो 35 के विचों जे मान लो तुम है ना 30 भी थोड़े एक्यूरेट चले गए, लाइक 5 जोड़े रोंग हो गए, है ना। तो थोड़े जोड़े 30 सही चले गए, तो फिर देखो थोड़े को जो 5 बचे है ना, जो तुम उन्होंने 5 के विचों लाइक ट्रू फॉल्स है फॉर एग्जाम्पल, थोड़े को ट्रू फॉल्स है जो 5 क्वेश्चन थोड़े बच गए, है ना। तो तुम 5 के मूहरे ट्रू ट्रू लाता, ठीक है। तो देखो हूँ वो 2 या 3 तो ट्रू हो गए ना, 2 या 3 पक्का हो गए, है ना। भी जो ट्रू फॉल्स सैक्शन अपने को, कोई ना विचों उधर मतलब कि 2 या 3 ट्रू हो गए, कोई है ना नो मतलब नॉट गिवन भी हो सकता वा। तो जिहड़े 2 या 3 ट्रू होणगे अपने वो भी ऐड हो गए, 30 मतलब कि 3 हो गए अपने, जे 3 अपने ट्रू निकल गए, है ना, तुक्का चल गया जानी अपना, तो वो 3 हो गए। लाइक 33 अपने जोड़े है वो एक्यूरेट जाएंगे, तो फिर अपने एटोमेटिकली जो 7 प्लस बैंड बनते हैं 7-5, है ना। तो ये थोड़ी जी बहुत सारे बच्चे की रिक्वायरमेंट है जी 7-7.5 तक पूरी हो जाती हैगी, ठीक है। तो इस नाल थोनू बेनीफिट होगा, इसलिए मैं कहनी हूँ कि ज़्यादा ध्यान तुम एक्यूरेसी वाली दो एज कंपेयर टू टाइम, ठीक है। तो हूँ आप गल करते हैं क्रोप बारे, गल हुई हैगी है, तो पैसेज का नेम देख लीए आप, देखते अपने को पैसेज की कहता वा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जी इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़निया, ठीक है। नो मोर दैन 2 वर्ड्स। तो बहुत सारे बच्चे ने जो पता हों भी इंस्ट्रक्शन असी पढ़निया है, बट जो एग्जाम का प्रैशर हों तो उदो भुल जाते हैं, या फिर आंसर जोड़े पहला सॉल्व कर लेंगे गां शीट से ट्रांसफर भी कर देंगे, तो जो टाइम बिल्कुल नहीं हों, 5-10 मिनट लिफ्ट रेंगे, तो उन्होंने पता चलता कि नहीं आंसर इदा नहीं, इंस्ट्रक्शन तो साढ़े को इसका आंसर इस तरह कर दिए, ठीक है। तो उदो टाइम नहीं हों, भावें पता भी होना है ना, तो पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते होंगे गे, तो इसलिए तुसी पहले इंस्ट्रक्शन वाली ध्यान दो। तो फर्स्ट आप गल करते हैं ब्लैंक्स की, सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इनडोरस। तो जोड़े सम फूड प्लांट्स आ उन्होंने एक इंक्लूड हैगा, किसी प्लांट का नेम दस्या होगा भी वो भी इंक्लूड है, जो ऑलरेडी ग्रोन इनडोरस, जो इनडोरस के ऑलरेडी ग्रोन होंगे, ठीक है, पहला तो होंगे आ रहे हैं। तो हूँ आप करते हैं कीवर्ड लेना है, तो कीवर्ड की अपने को इनडोरस, तो अपने को जो कीवर्ड है इनडोरस, ये अपन जो एक्यूरेट आंसर तक पहुँचाएगा। तो इनडोर आपको बड़ी ईजीली मिल गया, ठीक है। तो हूँ आप देखते हैं अगे जी लोकेशन तो मिल गई, हूँ आप इनफोरमेशन मैच करनी है कि किदा है ना आंसर अपना एक्यूरेट होंदा। द कंसैप्ट ऑफ इनडोर फार्मिंग इज़ नॉट न्यू सिंस हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमैटोज एंड अदर प्रोड्यूस हैज़ बीन इन वर्क फॉर सम टाइम्स। तो वर्क का मतलब होंगे है प्रचलित, जी पहला तो प्रचलित है। तो हूँ तुम आप देखना है इतने वीडियो में पाउज करो तो दसो मैनू आंसर की हैगा, ठीक है। तो हूँ आप देखते हैं कि आंसर की है, जिहड़ा तक कंसैप्ट ऑफ इनडोर फार्मिंग वो कहते नवा नहीं है, नॉट न्यू सिंस हॉट हाउस प्रोडक्शन ऑफ टोमैटोज। तो जी टोमैटोज की प्रोडक्शन, तो जो आप किसी प्लांट का नाम देखना सीगा तो की सीगा वो टोमैटोज है, इस जी इनडोर होंगी हैगी है ना प्रोडक्शन, तो वह जरा येगा टोमैटोज भी वो इंक्लूड हैगा। तो अपना आंसर जो बनता वा टोमैटो फर्स का। तो सैकेंड आप देखते हैं वर्टिकल्स फार्म वुड बी लोकेटड इन डैश मीनिंग दैट देर वुड बी लैस नीड टू टेक दैम लोंग डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस टू कस्टमर, ठीक है। तो वो कहते जो वर्टिकल फार्म्स आ वुड बी लोकेटड इन डैश, तो कितने लोकेटड हो जो उन्होंने जोड़े मतलब कि फार्मर्स है उन्होंने घट जो डिस्टेंस कवर करना पवे है ना भी कस्टमर तक फूड पहुँचाने लिए फसल आदि पहुँचाने लिए, ठीक है। तो हूँ आप गल करते हैं वर्टिकल फार्म, तो कीवर्ड की अपने को वर्टिकल फार्म्स। तो चलते हैं हूँ आप वर्टिकल फार्म से,
99% चांस होंगे रीडिंग दे विच कि अपना जो आंसर ऑर्डरली होंगे लाइक फर्स्ट अपन मिल गया इतने तो सैकेंड जरा इसके नीचे होगा ठीक है। तो बहुत जो लैस चांस होंगे अपन जो कि आंसर जो ऑर्डरली नहीं मिलते हैं जस्ट 1% चांस होंगे। वर्टिकल फार्म मिल गया अपन हूँ आप पढ़ते हैं। वन सच प्रपोजल इज फॉर द वर्टिकल फार्म द कंसैप्ट इज ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड कंडीशन। तो की कह रहे तो कहते जो वर्टिकल फार्म आ है ना उन्होंने मतलब कि आपको दस्या ढंग तरीका दस्या भी की होंगे है ना। तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होंगी एक बिल्डिंग होंगी जिद बहुत सारिया स्टोरी होंगे ठीक है। तो वो जी फूड को उगाया जाता तो उगया किमें जाता इनवायरमेंट कंडीशन होंगे वो कंट्रोल ना ही उगया जाता ठीक है। तो यह दसता आपको कि अगर स्टीटर आप देखना कि वह जाने कितने स्थित होता उन्होंने जो घट डिस्टेंस कवर करना पवे स्टेटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो कितने जड़े अर्बन सेंटर्स दे वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जी जी मतलब कि अमाउंट आ ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायर टू ब्रिंग फूड टू कस्टमर ता जी घट जाए डिमांड जी कि मतलब कि रिक्वायर्ड होंगी है जरूर चाहिए होंगी है जो कि वह मतलब कि फूड न कस्टमर तक लेके जाते हैं। तो की आंसर बनता अपना अर्बन सेंटर्स तो टू वर्ड्स की इंस्ट्रक्शन हैगी अपने को आंसर बन गया अपना अर्बन सेंटर्स ठीक है। तो ये अपना हो गया सेकंड का ठीक है। तो हूँ अपने को थर्ड देख लिए आप वर्टिकल फार्म्स कुड यूज मिथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल टू प्रोड्यूस डैश। तो जोड़े वर्टिकल फार्म वो मिथेन यूज करते जोड़े प्लांट्स एंड एनिमल्स तो जोड़ी मिलती हैगी टू प्रोड्यूस डैश की प्रोड्यूस करने लिए ठीक है। हूँ आप देखना कि प्रोड्यूस की होंगे वा ठीक है जो मिथेन यूज करते हैं। तो हूँ आप चलते हैं कीवर्ड की अपने को मेन थोनू दसो की लगता कीवर्ड। तो वर्टिकल फार्म अपना ऑलरेडी हो गया है ना कीवर्ड तो यह अपना हूँ पता लग गया वर्टिकल फार्म की गल स्टार्ट होगी तो वार बार आएगा ये आप कर नहीं सकते ठीक है। कुड यूज तो यह जो हैल्पिंग वर्ब्स इन भी नहीं आप यूज़ कर सकते ठीक है। तो हूँ अपने को जो कीवर्ड नैक्सट की है मिथेन है तो अपना जो मेन कीवर्ड है मिथेन है तो आप चलते हैं हूँ ठीक है। तो अपने जो आंसर इतों तक हो गया सैकेंड तक उस तो अगे नीचे ही देखना अपन मिथेन कितने मिलता जो एक माइंड वर्ड हो वो बड़ी ईजीली मिलता। तो हूँ आप चलते हैं देखो तुम थोड़ा कितने मिथेन मिलता है देखो मैं मिल गया मिथेन वर्ड इतने अपना मिथेन वर्ड पिया। तो हूँ आपको पता लग गया कि अपने जी एकूरेट लोकेशन पर पहुँच गया हूँ आप चलते हैं पढ़न ठीक है। ऑलदो द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी भावें जो सिस्टम हैगा गा वो एनर्जी जरा मतलब कि कंज्यूम करता ज़्यादा एनर्जी जरूरत हैगी इट वुड रिटर्न एनर्जी टू ग्रिड वायर। तो जी मतलब कि एनर्जी रिटर्न करता कादे द्वारा मथेन जनरेशन फ्रॉम कंपोस्टिंग नॉन एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ठीक है। तो जो प्लांट्स तो मिलती हैगी मतलब कि मिलता है रिटर्न एनर्जी तो आंसर की बनता अपना एनर्जी तो मथेन तो उन्होंने की मिलती है जी वो कहने मिथेन मतलब कि प्लांट्स के पार्ट्स पूर्ट्स तो मिलती हैगी है ना ज कंपोस्टिंग तो वो जी मतलब कि प्रोड्यूस करती है एनर्जी इस सिस्टम नू एनर्जी दिंदी है। तो अपना जो आंसर की बनता एनर्जी ठीक है। तो हूँ अपने को जो फोर्थ आ गया द कंसम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट बिकॉज एग्रीकल्चर व्हीकल्स वुड बी अननेसैसरी। तो जी कहते कंसम्पशन वो यदी जी हैगी घट गई आ ठीक है। तो कादे करके क्योंकि जो एग्री व्हीकल्स है एग्रीकल्चर के व्हीकल्स जो है ना चाहिए होंगे बच्चे तो वो वुड भी अननेसैसरी है क्योंकि वो जो अननेसैसरी है चाहिए नहीं है तो इस करके जी कंसम्पशन किसी चीज़ की जी कंसम्पशन सी वो घट गई है ना जी कि व्हीकल्स के करके होंगी जो व्हीकल्स घट गए तो हूँ अपन पता लग गया कि जी कंसम्पशन भी घट गई। तो हूँ आप देखना भी कि चीज़ जी कंसम्पशन घटी हैगी। तो हूँ आप चलते हैं क्वेश्चन पर तो अपने को जो कट वर्ड हैगा गा तो व्हीकल्स भी आप देख लें कट तो व्हीकल्स अपने को जो कीवर्ड हैगा गा देखो इतों तक अपना हो गया सीगा ठीक है प्लांट्स तक तो ये आप नहीं कर सकते। तो हूँ अगे पढ़ते हैं अपन तो कटिंग अपन मिल गया ठीक है। तो हूँ आ देखो जो व्हीकल्स आप डायरेक्ट व्हीकल्स दिते पे है नेम दिते उन्होंने ट्रैक्टर्स प्लाउस एंड शिपिंग ठीक है। तो थोड़ा जहा जो माइंड एक्टिव करके आप रीडिंग करनी है क्योंकि समटाइम आप थोड़ा जहा भुलेखा पाने कन्फ्यूज करने लिए तो दिते होंगे देखो जो हूँ उन्होंने आंसर ही सीधे दिते हो है ना आप बिल्कुल ही जमा से पे हो फिर तो हर एक कोई रीडिंग कर लवे है ना। तो इसलिए थोड़ा जहा तो आपको कन्फ्यूज करना ही है उन्होंने फिर भी जो इंटरनेशनल जो टेस्ट होंगे वा तो दैट्स वाई आप थोड़ा जिहड़ा माइंड एक्टिव रखना। तो हूँ आप पढ़ते अपन पता लग गया लोकेशन तो यही हैगी ठीक है। इट वुड ऑलसो ड्रामेटिकली रिड्यूस
ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਣਾ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਸੋ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ, ਤਾਂ ਕੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਟਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਨੀਡ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰਸ ਪਲਾਊਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘਟਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਪਲਾਊਸ ਐਂਡ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਵੁੱਡ ਨੀਡ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਗਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੰਸਮਪਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਥੇਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਥੇਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਫਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਆ, ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਵੁੱਡ ਨੀਡ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਡਰਾਬੈਕ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਆ, ਅ ਮੇਜ਼ਰ ਡਰਾਬੈਕ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੀ, ਹਾਊ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵੁੱਡ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਆ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ, ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਵਰਡਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਰਡ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿਕਸਥ ਕੀ ਆ, ਵਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਆਰ ਨੋਟ ਫਿਕਸਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਤਕਨੀਕ ਆ, ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਇੰਡ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਉੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲਾਈਟ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੀਵਰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੂਵ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਮੂਵ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਫਿਕਸਡ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟ ਫਿਕਸਡ। ਨੋਟ ਫਿਕਸਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨੋਟ ਫਿਕਸ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗਰੋ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਵਨ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਔਨ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਵਲਪ ਟੂ ਗਰੋ ਪਲਾਂਟਸ ਇਨ ਸਟੈਕ ਟ੍ਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਸਟੈਕ ਟ੍ਰੇਜ਼।
दैट मूव ऑन रील्स, जिहड़ियां कि रील्स ते मूव करदियां हैगियां, वो की चीज़ आ? स्टैक्ड ट्रेज हैगियां जिहदे विच प्लांट्स नूं उगाया जांदा। तां आंसर की बनिया अपना, स्टैक्ड ट्रेज। थोड़ा जिहा कन्फ्यूज कर रहे हैं, इतने नॉट फिक्सड लाया सीगा है ना, तो आपां नूं जाने कि उत्थे मूव लिखता, इतने डिसएडवांटेज सीगा तो उत्थे अपने कोल ड्रापैक सीगा, ठीक है। तो थोड़ा जिहा आपां भी ध्यान रखना हैगा गा। तो हूँ आप अगे चलते एक लास्ट बची अपने को, आई होप तुम्हें जी वीडियो वधिया लगती होगी, यूजफुल होगी तुहाडे लिए। तो हूँ आप एक लास्ट करते हैं, द मोस्ट प्रोबेबल डिवलपमेंट इज दैट फूड विल बी ग्रोन ऑन डैश इन टाउनस एंड सिटीज़। तो जो कहते इन फ्यूचर की गल हुई है, वो कहते एक जी डेवलपमेंट यी हैगी कि जो फूड है ना, वो हूँ मतलब कि फ्यूचर के कितने उगाया जाऊगा, उस किसी चीज़ के उत्ते, ऑन डैश इन टाउनस एंड सिटीज़। तो टाउन सिटीज़ के किसी चीज़ के उत्ते उगाया जाऊगा, ठीक है। तो हूँ आप चलते हैं, तो आप जरा आंसर मिल जाए, ठीक है। इन फ्यूचर की गल हो रही है, इन फ्यूचर आ गया, ठीक है। ग्रोन आंसर आ गया, मतलब कीवर्ड मिल गया अपन, ग्रो सीगा उत्ते, तो विल भी सीगा है ना, तो विल भी मिल गया। हुण अपने कोल इत्थों आपां पढ़ लैने आ, वाइल इट इज़ पॉसीबल दैट मच ऑफ आवर फूड। तो वह कहिंदे ये जिहड़ा पॉसीबल है कि जिहड़ा अपना जिहड़ा ज़्यादा जिहड़ा फूड हैगा गा, विल बी ग्रोन इन स्काई स्क्रैपर इन फ्यूचर। तो कित्थे जिहड़ा अपने कोल पैसेज का नेम भी दिता होया वा, क्रोप ग्रोइंग इन स्काई स्क्रैपर, ठीक है। तो वह कहिंदे ग्रोन इन स्काई स्क्रैपर इन फ्यूचर। तो फ्यूचर के जिहड़ा फूड वह कित्थे उगाया जाऊगा, स्काई स्क्रैपर इन फ्यूचर। मोस्ट एक्सपर्ट वाइल इट इज़ पॉसीबल दैट मच ऑफ अवर फूड विल बी ग्रोन इन स्काई स्क्रैपर। तो जो मतलब कि बहुत सारा जो फूड आ वो अपना जो उगाया जाऊगा स्काई स्क्रैपर इन फ्यूचर। तो की हुण तुहानू आंसर लगता है इतने? तो बहुत सारे बच्चों ने हैगा आंसर इतने पता की करना गा, स्काई स्क्रैपर है ना। तो आंसर बहुत सारे बच्चों को लगता है भी स्काई स्क्रैपर हैगा, तो बट उन्हें आपां नूं की दिता है गा, इन स्काई स्क्रैपर मतलब कि ऑलरेडी उन्होंने कह दिता गा भी अपने कोल पैसेज का नाम की हैगा गा, क्रोप ग्रोइंग इन स्काई स्क्रैपर। तो स्काई स्क्रैपर की जी क्रोप हैगी इन फ्यूचर के कितने उगया करूगी, ऑन किसी चीज़ की आप उत्ते देखनी है, टाउन एंड सिटीज़ के, ठीक है। तो हूँ नैक्सट लाइन के आंसर हैगा, इतने मैं थोड़ा थोड़ा जहा कन्फ्यूज़ किया है बट आंसर स्काई स्कैपर नहीं हैगा। हूँ अगे दसदी हाँ कि किदा जो आंसर होर होगा तो किस तरह होगा, ठीक है। मोस्ट एक्सपर्ट करंटली बिलीव इट इज़ फार मोर लाइकली दैट वी विल सिंपली यूज द स्पेस अवेलेबल ऑन अरबन रूफ टॉप्स। तो उत्थे अपन ऑन वर्ड भी दिता सीगा कि किसी चीज़ के उत्ते, तो जे हुण आपां ऑन दे नाल स्काई स्क्रैपर ला देंगे बट स्काई स्क्रैपर दे नाल ऑन नहीं लगेगा क्योंकि इन्होंने इन लाया, कितने भी तुहानूं स्काई स्क्रैपर मिल जाए पैसे दे विच तां आपां नूं जिहड़ा ऑन नहीं दिता नाल, तो फिर उत्थे अपना जिहड़ा पैसे दे विच स्टेटमेंट दे विच ऑन हैगा, तो दैट्स वाई की अपना आंसर आजूगा ऑन, ठीक है। ऑन अपने कोल हैगा तो रूफ, हुण अर्बन क्यों नहीं होगा क्योंकि अपन उन्होंने ऑलरेडी दिता है गा सिटीज़ दे विच है ना, टाउन एंड सिटीज़ दे विच, तो वो अर्बन एरिया ही हुंदा वा ना टाउन ते सिटीज़, दैट्स वाई जिहड़ा अपना आंसर अपने कोल की आऊगा, कल्ला रूफ टॉप्स आऊगा। तो हूँ आई होप तुहानू जिहड़ी आ थर्ड थोड़ी जी एक्सप्लेनेशन मैं ज़्यादा की है क्योंकि ये थोड़ी कन्फ्यूज आ, तो इतने बहुत सारे बच्चे स्काई स्क्रैपर आंसर करते हैं बट नहीं, स्काई स्क्रैपर ने इन स्काई स्क्रैपर इन फ्यूचर मोस्ट एक्सपर्ट। तो उदा उन्होंने दसिया कि जो अपना जो फूड हैगा स्काई स्क्रैपर का है ना, वो जो उगया करूगा मतलब कि जिहड़ियां स्पेस अवेलेबल हैगी अर्बन रूफ टॉप्स। तो जो आप स्काई स्क्रैपर लाने भी है इतने अपन सिटी टाउनस की कोई गल नहीं की, तो अपना जो मैच नहीं करता, तो नीचे अपना अर्बन रूफ टॉप्स दिता है, ठीक है। तो इसलिए जो अपना आंसर की आजगा रूफ टॉप्स। तो आई होप तुहानू जिहड़ी वीडियो यूजफुल लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेकर वीडियो वधिया लगी तो वीडियो ने शेयर करो, लाइक करो, थैंक्स।